हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोरिन्स रेसिपीज। दिस इज लोरिन और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऑल इन वन ग्रीन मसाला की रेसिपी दूंगी। ये कोई ऐसा वैसा मसाला नहीं है, ये कई चीज़ों में यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल, पुलाव और कई चीज़ों में। और इसे हम 10 से 15 दिन तक फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। और अगर उससे ज़्यादा रखना है तो उसे हम फ्रीज करके रख सकते हैं, जैसे कि हम आइस ट्रे ले सकते हैं उसमें रख सकते हैं, या तो फिर हम कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले उसमें उसे डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं, महीने भर तक खराब नहीं होगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें गीले चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। इसके लिए मैंने लिया है एक जुड़ी हरा धनिया, आधा कप पुदीना, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्चें, 10 लहसुन की कलियां, 1 नींबू का रस, 8 से 10 लौंग, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी के, आधा छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा पानी। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डालेंगे धनिया, पुदीने के पत्ते, अदरक, लहसुन, मिर्च, काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, जीरा, लौंग, नमक, नींबू का रस और थोड़ा सा पानी। पानी ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा। और इसे पीस लेते हैं और ये मसाला तैयार है। ये देखिए, ये मसाला तैयार है। अब किसी भी कांच की बोतल में इसे भर के हम फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। इस ऑल इन वन ग्रीन मसाले को कैसे यूज करते हैं ये मैं आप लोगों को मेरे आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। Thank you for watching. If you like my mama's video, so please like, comment and subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell button.